रेप के आरोपी ये वही विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं, जिन्हें सजा दिलाने के लिए एक बेबस लड़की को दुनिया जहान भर के जुल्मों सितम झेलने पड़ रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो सीबीआई ने भी हाथ पैर झाड़ कर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज सीबीआई की टीम ने यूपी के उन्नाव बल्कि लखनऊ, बांदा, फतेहपुर में भी कुलदीप सेंगर और उसके करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ कार्रवाई की। माखी में आरोपी विधायक के घर के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सीबीआई की टीम ने अपने कब्जे में ली। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश हैं उससे हर आदमी को इस केस की नौइयत और इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अभी सीबीआई ने 200 ऑफिसर्स का इजाफा किया है इस इंक्वायरी को करने के लिए, चूँकि 14 दिन के अंदर इस इंक्वायरी को मुकम्मल करने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। कुलदीप सेंगर के ठिकानों पर धुआंधार छापेमारी, उनसे पूछताछ के अगले ही दिन हुई है। सीतापुर जेल में बंद कुलदीप सेंगर से कल ही सीबीआई की टीम ने कड़ी पूछताछ की थी। 28 जुलाई को गैंगरेप की पीड़ित लड़की की कार को जो एक ट्रक ने टक्कर मारी थी उसे लेकर विधायक से सीबीआई ने पूछताछ की थी। रायबरेली में हाईवे पर एक ट्रक ने पीड़ित लड़की की कार में ऐसी टक्कर मारी थी कि उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई थी। खुद लड़की की हालत गंभीर है और हफ्ते भर से वो लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। पीड़ित परिवार ने इस हादसे को विधायक की साजिश करार दिया था, जिसके बाद कुलदीप सेंगर पर हत्या का अलग से केस भी दर्ज कर लिया गया और इसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में ट्रक कांड की जांच करने को कहा है, इसलिए कल सीबीआई ने सीतापुर जेल में कुलदीप सेंगर से करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब किए। साथ ही जेल में उनसे मिलने आने वालों की लिस्ट भी सीबीआई ने खंगाली। इस पूछताछ के बाद आज सेंगर के ठिकानों पर छापेमारी कर सबूत जुटाने की कोशिश सीबीआई ने की है। इतने हीनियस क्राइम में जेल में बंद हो, जिस पे चार्ज शीटेड हो गया हो सीबीआई के द्वारा, देश जिस क्राइम से एकदम उद्वेलित हो गया हो, उस क्राइम को करने वालों के जो लाइसेंसी असल है थे वो सालों प्रदेश सरकार ने न सीज किए न निरस्त किए न जमा किए, अब उस पे कार्रवाई हो रही है। उन्नाव कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों पर कुल 5 केस दर्ज हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी से दिल्ली के 30,000 कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। रेप कांड में सीबीआई ने 30,000 कोर्ट में विधायक समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। कोर्ट ने 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे कुलदीप सेंगर को पेश करने को कहा है और इसके लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी हो गया है। आज रात सीबीआई की टीम कुलदीप सेंगर को सीतापुर से लेकर दिल्ली रवाना होगी और कल कोर्ट में पेश करेगी। कि एक तो आप एक बच्ची के साथ में बलात्कार करें, उसके बाद उसको धमकाएं, उसके बाद उसको मारने की कोशिश करें, सबूत मिटाने की कोशिश करें, और उसके बाद उसको भी शुभकामनाएं दी जाती हैं दूसरे विधायक के तौर पर। मैं समझता हूं हम एक ऐसे शर्मनाक मरहले पे आके खड़े हैं। 28 जुलाई को पीड़िता की कार को जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी उसके मालिक को आज सीबीआई ने लखनऊ में तलब किया था। ट्रक मालिक देवेंद्र किशोर पाल ने सीबीआई के सामने पेश होकर बेगुनाही का रोना रोया। दरअसल हादसे में साजिश की बू इसलिए भी आ रही थी क्योंकि टक्कर मारने वाले ट्रक के नंबर प्लेट पर कालिक पुती हुई थी। हालांकि ट्रक मालिक दलील दे रहा है कि यह महज एक हादसा है, कोई साजिश नहीं। ट्रक मालिक का दावा है कि ना तो वो विधायक कुलदीप सेंगर को जानता है और न ही पीड़िता को। साजिश नहीं है, मैं न जानता हूँ न पहचानता हूँ, बताया जा रहा है, बाकी सब कुछ नहीं है। अच्छा, ये एक्सीडेंट है। ये बताया जा रहा है कि विधायक जी से भी आपका संपर्क है कुलदीप सेंगर से? जब जानता ही नहीं तो विधायक जी से संपर्क कैसे हो जाए? अच्छा, जो गाड़ी में सवार थी महिला या और लोग उनको आप जानते थे? नहीं। बीजेपी से अब निष्कासित हो चुके आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लड़ाई में पीड़ित लड़की को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इंसाफ की इस लड़ाई के दौरान लड़की के पिता की मौत हो गई, चाचा को जेल भेज दिया गया, केस की अहम गवाह चाची मारी गई, मौसी की भी जान चली गई और अब खुद पीड़िता जिंदगी और मौत से जूझ रही है। एक ताकतवर आदमी के खिलाफ इंसाफ की जंग ने पीड़िता की जिंदगी जहन्नुम बना दी है और उसे अब सबसे बड़ी अदालत से ही इंसाफ की आस बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।